Good morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 23, Pocham Pali. Okay, let's see worksheet 1, question number 1, choose the correct option. Okay, यहाँ पे आपको 4 option दिए गए हैं and 4 option में से आपको एक correct option को choose करने हैं. Okay, question number A, Muktapur village is in, this is your right answer. तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक. तो वी विल टेक द ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज योर राइट आंसर. आंध्र प्रदेश. ओके, नेक्स्ट, डेकोरेटिव डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट मेड बाय हैंड आर कॉल्ड साड़ी, कर्टेन्स, हैंडीक्राफ्ट या पॉटरी. तो वी विल टेक द ऑप्शन नंबर 3, हैंडीक्राफ्ट. हैंडी क्राफ्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, बिग शॉपकीपर सेल पोचमली साड़ी एट फ्री प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस या रिजनेबल प्राइस. तो वी विल टेक द ऑप्शन नंबर 3, हाई प्राइस. हाई प्राइस. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो. क्वेश्चन नंबर ए, इन मुक्तापुर विलेज मेनी पीपुल वी वे स्पेशल क्लॉथ कॉल पोचम पली. हियर वी विल फिल पोचम पली. ओके, नेक्स्ट, क्लॉथ इज वोवन इन, वेयर इज क्लॉथ वोवन. हियर वी विल फिल लूम. ओके, नेक्स्ट, पोचमपली साड़ीज आर विव्ड इन ब्राइट कलर्स. हियर वी विल फिल कलर्स. ओके, नेक्स्ट, डैश थ्रेड इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ वीविंग, सिल्क थ्रेड. सिल्क थ्रेड इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ वीविंग. आफ्टर वॉशिंग द थ्रेड आर डाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट. लिखो क्वेश्चन नंबर ए, हैव यू एवर सीन एनीबॉडी वीव समथिंग ऑन ए लूम, व्हाट वर दे वीविंग एंड वेयर. क्या तुमने कभी किसी को करगे पर, लूम मींस होता है करगा, करगे पर कुछ बुनते हुए देखा है. लूम मींस करगा. तो क्या तुमने कभी किसी को करगे पर कुछ बुनते देखा है, क्या, कहाँ और What were they weaving and where? वो क्या बुन रहा था और कहाँ बुन रहा था. ओके, आंसर, यस आई हैव सीन ए पर्सन वॉज weaving ऑन ए लूम ऑन टीवी. He was weaving a sari. Weaving a sari. Okay. Next, question number B. The thread of a sari are dyed. Do you know of any other things that is dyed? Sari ke dhagon ko ranga jata hai. Kya tum kisi aur चीज के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है? यस आई नो हेयर, ऊल, कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड्स आर ऑल्सो डाइड. सो डाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इफ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज इफ द इंटायर विलेज इज वीविंग साड़ीज. डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मीन पीपुल लिविंग इन वन प्लेस टू. वानी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ियाँ ही बना रहा है. तो क्या तुम कुछ ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? आंसर, यस द पोट्री वर्क
द पोएट्री वर्ल्ड इज अनदर वन. ओके नेक्स्ट, डू दे मेक सम आर्टिकल, क्या वे कोई चीज तैयार करते हैं. आंसर यस दे मेक अर्थन पॉट, दे मेक अर्थन पॉट्स. ओके क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड आउट एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप. आपको स्टेप्स बताने हैं कि उसको तैयार करने का तरीका क्या है और उसके स्टेप क्या है. आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक डॉग ऑफ फाइन अर्थ. The dog is put on a wooden wheel which is called chalk और पॉटर व्हील्स. चाक या पॉटर व्हील. देन पॉटर गिव द डिजायर्ड शेप्स shapes of the earthen dough. Pots and toy are dried in the sun and baked in the clean. Pots and toys are dried in sun and baked in clean. Okay, next question number F, do men and women do different kinds of work to make this article. क्या उस चीज को बनाने के लिए आदमी और औरत अलग अलग तरह के काम करते हैं. Answer no, usually they do the same work and share their task. Okay. Now question number G, do children also contribute in making this article? इस आर्टिकल को बनाने के लिए क्या बच्चे भी मदद करते हैं. आंसर यस चिल्ड्रेन आल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल. Okay. Worksheet 2. Question number 1. Vani and Prasad learned this beautiful craft from their family members. Vani और Prasad ने अपने परिवार से यह सुंदर कला सीख ली है. When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft?
तो क्या वे बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर को सिखा पाएंगे? आंसर यस दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रेन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट क्राफ्ट ओके। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, ए कारपेंटर एंड ए पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। आपको एक किसी लुहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता करो। आंसर आयरन स्मिथ makes the things made of iron. Okay, carpenter makes the wooden articles. Okay, potter makes the earthen pot, earthen pots and toys. Okay, question number B, where did they learn to do their work? उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा है? आंसर दे लर्न देयर वर्क फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क? ओके, उनको काम में क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है? आंसर दे नीड टू बी क्रिएटिव, क्रिएटिव and have great imagination. Imagination to be able to do this work. Okay. Question number D. Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है? Answer, yes. They teach their work to their family member. Members and anyone else who like to learn it, Okay, हाँ वे अपने परिवार और किसी और को भी सिखाए हैं जो कि वो सीखना चाहते हैं. Okay. Next question number E. The table below has a list of different kinds of work that people do. नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें कुछ काम की सूची दी गई है, kinds of work. Okay. Do you know people who do such work? क्या
तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? राइट योर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम हुम हैव दे लर्न देयर वर्क। आपको फर्स्ट कॉलम में उनके नेम को लिखना है और नेक्स्ट कॉलम में पता करो कि उन्होंने ये काम किससे सीखा है और वे काम वो किससे सीखे हैं, ये आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क फ्रॉम? ओके, क्लॉथ वीविंग, प्रसाद एंड वानीज पेरेंट्स, फ्रॉम देयर एल्डर। कुकिंग, प्रिया, फ्रॉम हर मदर। फ्लाइंग एरोप्लेन, राजीव, वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क फ्रॉम फ्लाइंग स्कूल। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे उनके नेम लिखने हैं और वो किन से सीखे वो आपको लिखने हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।